क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और उसमें 20 टर्न्स है, ठीक ना। वो रोटेट कर रही है अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड। उसकी एंगुलर स्पीड 50 रेडियन पर सेकेंड है इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻²⁷ टेस्ला। द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी −10⁻²⁷ वोल्ट, ठीक ना। और हमें राउंड ऑफ वैल्यू देना है, ठीक। अब देखो, अगर कोई भी चीज वर्टिकल डायमीटर से ऐसे अगर रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हमसे पूछा क्या गया है कि मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगी? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाए? 1 हो जाए, उस समय ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी मैक्सिमम। तो ई मैक्स इक्वल टू क्या होगी? एन बी ए ओमेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 20। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 3 × 10⁻², 3 × 10⁻², इंटू एरिया कितना? 3.14 इंटू 0.08 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर हो गई 8 सेंटीमीटर, मीटर में 0.08 इंटू ओमेगा कितनी? 50, ठीक। ओमेगा ये नहीं 50, तो ई मैक्स कितना आ गया? इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 60.3 × 10⁻²⁪ वोल्ट, ठीक। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करता हूं तो राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा? 60 × 10⁻²⁪ वोल्ट। तो यहां पे कितना आएगा? 60।